नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा फ्रॉम मनीषा प्रेटी किचन। चलिए आज हम बनाएंगे आलू बैंगन की सब्जी महाराष्ट्रियन वे नागपुरी स्टाइल। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे मैं आपको बताती हूं। एक व्यूअर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी इसकी वीडियो अपलोड करने के लिए, तो मैं बताती हूँ आपको। इसके लिए जो है मैं ये सब्जी 4 पर्सन के लिए बनाने जा रही हूँ। तो मेरे जो इंग्रेडिएंट आप देख रहे हैं ये थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में है, आप चाहे तो इसके हाफ कर सकते हैं। ये जो पोटैटोज़ है ये 4 है, बैंगन है 6 से 5, ये मीडियम साइज़ के बैंगन हैं। और हमें जो बैंगन लगेंगे ये बहुत ही फ्रेश होने चाहिए, और इसको धोकर सबको सब्जियों को आपको यूज़ करना है। जो टोमेटोज़ मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मीडियम साइज़ के हैं और इसको धोकर मैंने रखे हुए हैं, ये बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। और ये जो कलियाँ हैं आप 8 से 10 कलियाँ आप यूज़ करिए, क्योंकि हम सिर्फ लहसुन की पेस्ट इसमें डालने वाले हैं। और एक मीडियम साइज़ का अनियन आपको लगेगा। अगर आप 2 पर्सन के लिए बनाने जा रही हैं तो सब कुछ इसके हाफ़ कर लीजिए, और जो अनियन है अनियन को भी आपको थोड़ा स्मॉल साइज़ लेनी पड़ेगी। ये जो धनिया है धनिया को आपको फ्रेश धोकर यूज़ करना पड़ेगा। देखिए सारे जो इन्ग्रीडियंट है मैंने फाइनली चॉप कर लिए हैं। अभी ये जो रेसिपी है फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी इसकी सब्जी बनती है। तो अभी जो शेप में मैंने कट की है बैंगन को, ये थोड़े स्मॉल साइज़ के होने की वजह से मैंने ऐसे कट किए हैं, और आप चाहे तो कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं। और सबसे पहले इनको कट करने के बाद पानी में डुबोकर, पीने के पानी में डुबोकर रख लीजिए। अभी चलिए हम सब्जी बनाते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है, जो भी आप यूज़ करते हैं वो ऑयल यूज़ करिए। उसके बाद थोड़ा पिंच ऑफ जीरा, राई, इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 हरी कटी मिर्च और प्याज, जो अनियन हमने चॉप किया था फाइनली चॉप किया था वो अनियन हम इसमें डालेंगे। मैं जो सब्जी बना रही हूँ ये इंडक्शन पे बना रही हूँ। आप अगर गैस पे बनाते हैं तो थोड़ा मीडियम से लो टेम्परेचर पे ही पहले ऑयल को हीट होने दीजिए। अच्छे से गर्म होने के बाद ही आप सारी चीज़ें फटाफट से डालिए। अगर ज़्यादा ऑयल गर्म हो जाता है तो ये जल भी सकते हैं। तो देखिए मेरा जो अनियन डाला था मैंने, ये अभी ब्राउन हो चुका है और थोड़ा सा सूख भी गया है ऑयल में, इसका पानी उड़ चुका है। अभी इसमें मैं लहसुन की पेस्ट डालूँगी। मैं ज़्यादातर लहसुन की ही पेस्ट डालती हूँ, अदरक मैं इसके साथ यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि सिर्फ कुछ ही सब्जियाँ हैं जिसके साथ मैं अदरक का यूज़ करती हूँ। अगर चाहे तो सिर्फ लहसुन की डालिए, और बहुत अच्छी बनती है सिर्फ लहसुन की पेस्ट डालने से ही, मेरा ऐसा मानना है। और लहसुन जब हम पेस्ट बनाते हैं उसके साथ थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट अगर डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालकर उसको कूटेंगे तो पेस्ट बहुत ही फाइन बनेगी। ये मैंने पहले भी जो वीडियो अपलोड की है इसमें भी मैंने बताया है। थोड़ा सा धनिया हम डालेंगे इसमें, ग्रीन जो फ्रेशली चॉप्ड हमने किया था, 1 टेबल स्पून धनिया भी डालेंगे। अब इसको सॉटे करेंगे। लहसुन को कच्चा बहुत ज़्यादा ना रहने दें और बहुत ओवर कुक भी ना होने दें, जस्ट इसकी रॉ स्मेल निकल जाए। और इसके बाद हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1/2 से थोड़ी सी ज़्यादा रेड चिली पाउडर यानी मिर्च पाउडर हम डालेंगे, और सॉल्ट स्वादानुसार, जैसे हमारे बैंगन और पोटैटोज़ हमने यूज़ किए हैं उसके हिसाब से देखिए कि आपको कितना सॉल्ट डालना है। मैं तो 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ही डालती हूँ। उसके बाद अगर चाहे तो मैं एक्स्ट्रा, अगर लगता है मुझे सब्जी में नमक कम है तो मैं लास्ट में मिक्स करती हूँ। ये बेटर वे है कि अगर सब्जी में थोड़ा मीन्स नमक ज़्यादा हो जाए तो पूरी सब्जी बेकार हो जाती है, तो ऐसे ही करें तो सब्जी भी ख़राब नहीं होती है। तो अभी मैंने सारे मसाले इसमें डाले हैं। अभी मैं चिकन मसाला इसमें डालूंगी, आप चाहे तो गरम मसाला या फिर गोड़ा मसाला। अभी तो नागपुर में जो है ये सुरुचि गोड़ा मसाला मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट अभी मैं चिकन का मसाला यूज़ कर रही हूँ। इससे भी बहुत ही अच्छी फ्लेवर आता है सब्जी में। अगर आप चाहे तो जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं मसाला वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो मसाला मैंने डाला है ये 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, फुल स्पून नहीं डाला है, थोड़ा सा कम डाला है। अभी इसको 1 मिनट तक हमें हल्का सा सॉटे करना है, मसाले जैसे रेड चिली पाउडर और हल्दी हल्का सा कुक करना है, क्योंकि अगर अंडर कुक रहेंगे तो वो
कच्चापन सा लगेगा, और थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको फिर से कुक करना है। यही मेथड है जो हम सब्जियां जो भी डेली यूज़ की, जैसे सब्जियां बनाते हैं लंच में डिनर में, तो यही मेथड मेरी है बेसिक, कि मैं मसालों में थोड़ा सा पानी डालकर इनको कुक होने देती हूँ, ताकि इनकी जो फ्लेवर है ये सब्जी में घुलने के लिए पानी में थोड़ा सा अपना टेस्ट छोड़ दे, और उनका कलर भी अच्छा बन जाता है ये से पानी छोड़ने के बाद। और जब तक कि पानी उड़ जाता है मैं उनको पकाऊंगी। अब देखिए, अब टाइम है अपना चॉप्ड टमाटोज इसमें मिलाने का। अभी मैं चॉप्ड टमाटोज मिला रही हूँ। टमाटोज इसलिए मैंने ज़्यादा लिए हैं, अभी कोई बहुत से लोग हैं जैसे टमाटोज कम यूज़ करते हैं, बट टमाटोज मैं ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रेवी की ग्रेवी वाली आलू बैंगन बनानी है। अगर आपको अच्छी ग्रेवी चाहिए तो जो टोमेटोज़ है वो अच्छे चूज़ करने पड़ेंगे आपको, अच्छे से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। टोमेटोज स्वीट होने चाहिए, जैसे राउंड शेप में होना चाहिए, जैसे सलाद में भी सलाद वाले टोमेटोज आते हैं। मीठे टमाटर हमें चाहिए जिसमें पानी कम हो, जैसे वो खट्टा सा पानी जो होता है वो पानी नहीं होना चाहिए, ऐसे टोमेटोज आपको यूज़ करना है। अगर आप 2 पर्सन के लिए ये सब्जी बना रहे हैं तो आप एक थोड़ा बड़ा साइज, बिग साइज़ का एक 1 टोमेटो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पर्सन के लिए बना रहे हैं तो 3 मीडियम साइज़ की टोमेटोज आप यूज़ करिए। अभी इसको, ये जो टोमेटोज हमने डाले हैं इनको सबको हमें कुक करना है हल्का सा पानी डालकर। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि पानी ज़्यादा डालने से क्या हो जाएगा, इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डालकर ये जो टोमेटोज़ है हमें बस जैसे प्रेस होकर इनका जूस निकल जाए इतना हमें कुक करना है। और अभी जब ये कुक हो जाता है, देखिए ये टोमेटोज़ कुक हो चुके हैं। ये सब्जी बनाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स लगेंगी, क्योंकि मसाले सबसे पहले हमें कुक करने हैं। ये जो टोमेटोज़ है, टोमेटोज़ कुक करने के लिए 3 से 4 मिनट तो लगते ही है मसालों के साथ। तो ऐसे ही आपको इनको स्मैश करना है, फिर कुक होने के बाद हल्का हल्का से इनको स्मैश करिए। अभी इनका देखिए पेस्ट बन चुकी है। इसके बाद हम इसमें आलू बैंगन जो मैंने पानी में भिगो के रखे थे, आप देख सकते हैं पानी में भिगो के रखने से क्या होता है, ये जो पटेटोज और ब्रिंजल है ये फिर से फ्रेश हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि सब्जियों को पानी चाहिए होता है। पानी जैसे उनके अंदर चला जाता है, सोख लेते हैं पानी ये, तो बहुत और टेस्ट अच्छी हो जाती है अपने सब्जियों की। तो बिल्कुल भी ना भूले, जो भी सब्जियां हम कट करते हैं तो थोड़ा सा पानी के साथ डुबो के रखा करिए आप भी। बस भिंडी को ना डालें, भिंडी को अगर पानी में डालेंगे तो भिंडी की सब्जी बनेगी नहीं। और देखिए अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, अभी ये जो ड्राई ये जो हमने ये डाले ब्रिंजल्स और पटैटोज, इनको हल्का सा आधा मिनट तक हम हाई फ्लेम पे मसालों के साथ मिक्स होने देंगे ढककर। अभी मिक्स कर लिया, उसके बाद एक आधा मिनट तक हमें इनके साथ पकने देंगे, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर, अभी इनको पानी डालकर थोड़ा सा हम कुक होने देंगे। मैं थोड़ा सा ही पानी डालूंगी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ही पानी डालूंगी ताकि ये जो सब्जी है ये नीचे से कढ़ाई को चिपके ना, जलते जले ना। और थोड़ा सा हाई फ्लेम पे मैं आधा मिनट तक होने दूंगी। देखिए आधा मिनट हो चुका है, देखिए कितना सुंदर कलर आ चुका है और सब्जी को, और बहुत ही ज़्यादा वेफर्स आ रहे हैं पानी के। अब मैं जितना क्वांटिटी, जैसे पानी जो है मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि ये 8 मिनट तक ढककर पकने वाले हैं तो पानी सूख ना जाए, इतना पानी हमें इसमें डालना है। तो पानी जो है मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, इस टाइम पे मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। 1.5 गिलास पानी मैंने ये जो 4 पर्सन की सब्जी के लिए डाला है, तो अगर आप 2 पर्सन के लिए बना रहे हैं तो आप सिर्फ 1 गिलास पानी डालिए। और टाइम टू टाइम आप मिन वाइल आप देखते रहिए कि पानी सूख तो नहीं गया है, सब्जी नीचे से जल तो नहीं गई। देखिए पूरे 8 मिनट तक मैंने इनको ढककर पकने दिया है मीडियम से लो थोड़ा सा टेम्परेचर पे, और अभी देखिए पूरा पानी रिड्यूस हो चुका है और इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी मुझे जितनी चाहिए थी उतनी हो चुकी है। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले चेक करिए कि आपके पटैटोस कुक हो चुके हैं क्या, और सब्जी भी हमें तब तक ही पकानी है जब तक कि पटैटोस कुक ना हो जाए।
अभी जो ये स्टेप मैं कर रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले क्या करना है, कुक 4 पटैटोज़ के पीसेस और 3-4 बैंगन के पीसेस को आप ऐसे स्मैश करिए जैसे मैं चम्मच से कर रही हूँ, और मिक्स कर लीजिए सारी ग्रेवी में। इससे क्या होगा कि जो कुक्ड बैंगन है, ब्रिंजल है, उसकी और पटैटोज़ की टेस्ट ये सारी सब्जी में घुल जाएगी, और ओरिजिनल जो फ्लेवर होता है आलू बैंगन की सब्जी का, वो आपको जब आप रोटी के साथ इस सब्जी को खाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, ये मैं आलू बैंगन की सब्जी खा रही हूँ। तो ये एक ट्रिक है आलू बैंगन की सब्जी की, लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक, और ये बिल्कुल भी स्किप ना करिए। और बस रेडी है अपनी आलू बैंगन की सब्जी, महाराष्ट्रियन वे, नागपुरियन स्टाइल, माई वे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग, और अगर आपको और कोई रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर फ्रेंड्स।